नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज से ठीक एक महीने पहले यानी 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी। वो इतिहास बनाया गया क्योंकि एक बहुत पुराना इतिहास तोड़ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। 37 साल का मिथक तोड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत के साथ, वो जीत जो कि उत्तर प्रदेश की नागरिकों ने उन्हें दी है, उस जीत के साथ उत्तर प्रदेश में काबिज होने के साथ ही साथ कई सारे संकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया था। और आज उस सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक महीना पूरा हो गया है। दरअसल अपने पूरे एक महीने के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हालांकि अभी एक महीना हुआ है और ये एक महीना भी शुरुआती ही है दूसरे कार्यकाल का, 5 साल का, लेकिन यही सरकार पहले भी 5 साल काम कर चुकी है, इस वजह से ये दूसरे कार्यकाल का जो शुरुआती एक महीना है, इस एक महीने में काम करने में काफी आसानी सरकार को रही है। लेकिन इस आसानी के साथ साथ कई सारी चुनौतियां भी सरकार के सामने थी और चुनौतियों के साथ साथ सरकार ने कई सारे नए संकल्पों के साथ एक नई सरकार, एक नए प्रदेश के, एक नए विकासशील उत्तर प्रदेश के पथ पर काम करना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर मोटा मोटा आंकड़ा, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं, या फिर एक आंकड़ा निकाला जाए तो बताया ये जा रहा है या चीजें ये निकलकर सामने आई हैं कि इस 30 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करी हैं, चाहे वो माफियाओं के विरुद्ध हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध हो। ऐसे लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है जिन्होंने सरकार की योजनाओं को जमीन तक नहीं उतरने दिया, या फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है जिन्होंने सरकारी और लोगों की जमीनों को कब्जाया हुआ था, जो अपने आप को भूमाफिया, जो अपने आप को माफिया कहा करते थे, या फिर ऐसे अधिकारी जिन्होंने जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, जिन्होंने सरकार की योजनाओं के नाम पर जनता से पैसे मांगे, जिन्होंने जनता की नहीं सुनी, ऐसे अधिकारियों के ऊपर सरकार की तरफ से चाबुक चलाया गया और कई अधिकारियों को निलंबित किया गया। वो कार्रवाई अभी भी चल रही है। जीरो टॉलरेंस नीति जो पिछले 5 साल में हमने आपने देखी है, उसी जीरो टॉलरेंस नीति पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की ये दूसरे कार्यकाल वाली बीजेपी की सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये जो एक महीना उत्तर प्रदेश सरकार का बीता है, ये एक महीना किस मायने में बेहतर रहा है, ये एक महीना उत्तर प्रदेश की सरकार अपने विकास के पथ को और बेहतर करने के लिए किस तरह से साबित करती हुई नजर आई है, ये एक महीना उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले प्रदेश को और कैसे बढ़ाती हुई नजर आएगी, ये एक महीना उत्तर प्रदेश में जो संकल्प लिया गया था अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का, उसके लिए कितना कारगर सिद्ध होगी, ये एक महीना महिलाओं के लिए अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कितना सही रहा है, ये एक महीना उत्तर प्रदेश में रोजगार, जीरो टॉलरेंस, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, ये एक महीना सरकारी योजनाओं को कैसे बेहतर जमीन पर उतारना, ये एक महीना उत्तर प्रदेश में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, इन सब पर कितना कारगर सिद्ध रहा है। और आने वाले 100 दिन, क्योंकि 100 दिनों का संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरुआत में ही ले लिया था कि हम आने वाले 100 दिन में इस रोड मैप के जरिए काम करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश में शुरुआती दिनों में विकास की रफ्तार तेज हो जाए, ताकि आने वाले 5 सालों में ये रफ्तार और तेज हो सके, उत्तर प्रदेश में निवेश की बयार हो, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार की बयार हो, उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार के साथ साथ अच्छे प्रदेश को चलाने की जो संकल्प लिए गए थे उन संकल्पों पर काम किया जा सके। एक महीना हो चुका है, लेकिन एक दूसरा आंकड़ा भी देखा जाए तो इस एक महीने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपराध की घटनाएं हुई हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए समस्या भरी साबित हो रही हैं। कुछ ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जो हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म के नाम पर बड़े
अपवाद को जन्म देते हुए नजर आए हैं और आपसी सौहार्द को बिगाड़ते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इसके बीच में भी उन अपराधियों के खिलाफ बेहतर कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है, इसके बीच में भी सौहार्द बनाने के लिए सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाइयां या फिर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने के आदेश दिए गए हैं, इसके विरुद्ध या फिर इसको देखते हुए लॉर्ड स्पीकर जैसे बड़े फैसले भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिए गए हैं कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी धर्म का धार्मिक स्थल हो, वहां पर अगर लाउड स्पीकर बजाया जाएगा तो उसको भी एक माप के जरिए ही बजाया जाएगा, एक डिसमिल के जरिए ही बजाया जाएगा। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर किसी नए धार्मिक स्थल पर इस तरह के लाउड स्पीकर का लगाना है वहां पर, तो उसकी भी परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। शोभा यात्रा या कई सारी यात्राओं पर भी परमिशन लेने के नियम जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिए हैं। तो ये साफ साबित होता है कि प्रदेश की सरकार जो है वो किसी एक धर्म के लिए काम नहीं कर रही है, वो उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। और भ्रष्टाचार की बात की जाए, 100 से ज्यादा माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया गया है, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो ध्वस्त की गई है, भ्रष्टाचार के आरोप में डीएम एसपी डीआईओ जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं, मुफ्त राशन बांटने की स्कीम को 3 महीने और बढ़ाया गया है, 100 दिन में 10,000 रोजगार देने की बात कही गई है। कई सारी प्रमुख बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार कही जा रही हैं, लगातार अधिकारियों से प्रेजेंटेशन मांगा जा रहा है, लगातार चर्चाएं विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे आने वाले 5 सालों को और बेहतर किया जाएगा, कैसे आने वाले 100 दिनों की रूपरेखा तय की जाएगी। हम भी आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति है और विपक्ष की नजर में उत्तर प्रदेश की इस 1 महीने की सरकार ने कितना बेहतर काम किया है, क्या काम वो नहीं कर पाए हैं और क्या उन्हें सही तरीके से करना चाहिए था। आप बयान सुनिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। के दूसरे कार्यकाल के आज 1 महीने पूरे हो रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 1 महीना पूरा हो गया है, आप लोगों का एजेंडा है 100 दिन का, 1 महीने में जो काम हुए उसे 100 दिन में और कैसे बेहतर किया जाएगा और आने वाले 5 साल में क्या रोड? संकल्प पत्र के अनुसार, लिए गए निर्णय के अनुसार, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के अनुसार हमारी सरकार प्रदेश की जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में समर्पित है, अच्छे से काम कर रही है, लोग हमारे काम को वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नतीजे आए थे तो विपक्ष कह रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं और बीजेपी को काम सही तरीके से करने नहीं देंगे जो सरकार अगर जनता के विरोध में कोई काम करती है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष में जो चीजें हैं वो निकल कर ये आ रही कि लगातार उसमें टूट है, शिवपाल यादव का अलग मामला चल रहा है, आजम खान का अलग, हमारा उस पर ध्यान नहीं है, हमें जो जनादेश मिला उसके अनुसार जनता की सेवा पर ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती पर ध्यान है और हमारा यही एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प। धन्यवाद। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जनता के साथ हम लोग काम करते आए हैं और जनता के साथ ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन सुमन के साथ मैं नितिन पाटिल। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं और जावेद अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद साहब कुछ शारीरिक समस्या से भी जूझ रहे हैं लेकिन उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि वो इस डिबेट में बैठ करके पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं जावेद भाई कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों। सबसे पहले मैं दयाराम जी के पास आना चाहूँगा। दयाराम जी, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था लेकिन इसके पहले आप लोग बीजेपी के साथ भी रहे हैं, कई सालों तक आप लोग ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सरकार में काम किया है, 1 महीना विपक्ष के तौर पर आप लोगों का बीत रहा है, 1 महीना उत्तर प्रदेश की नई सरकार का बीत रहा है, आपको क्या लगता है कितना काम बेहतर हुआ है पिछले 5 साल के मुकाबले और जो रोड मैप तैयार हुआ है उस रोड मैप के मुकाबले ये स्थितियां और कैसे बेहतर हो सकती हैं? नितिन भाई, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तमाम तरह के जो है एजेंडा लाने का काम कर, आज हमारे प्रदेश और देश को
महंगाई से जो त्रस्त जनता है, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आज आप खाद्य पदार्थ ले लो, सब्जियों से लेकर के तेल, आटा, दाल, चावल, किसी भी खाद्य पदार्थ में चले जाइए, सब जो बेतहाशा बढ़ा हुआ है और जनता इतना त्राहिमाम कर रही है। जरूरी नहीं है कि आप सत्ता आपको दोबारा आ गया है तो जो मूलभूत समस्या जनता की है उससे आप दूर क्यों भागते हैं। कानून व्यवस्था की बात करें, अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में किस तरह एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है, क्या कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा बलिया में जो इंग्लिश का पेपर लीक होता है, उस लीक को अमर उजाला के जो वहां के चीफ एडिटर थे जी, प्रमुख थे बलिया जिला से, अमर उजाला के पत्रकार महोदय, उन्होंने अपने पेपर में छापने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां का डीएम, एसएसपी, इस तरह उनको कार्रवाई करके जेल में डालने का काम किया, उन लोगों की आवाज को दमन करने का काम किया। भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में क्या ये उचित है? और अगर उचित नहीं है तो ये सरकार धर्म के नाम पे चल रही है या भारतीय संविधान पे चल रही है? ठीक है, दोनों बातें। अच्छा दयाराम भाई, ये कह रहा था मैं आपसे कि ये जो रोज प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है अलग अलग विभागों का, ताकि आने वाले 100 दिन का एजेंडा सेट किया जाए, और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, सरकार के कई सारे नेता मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, हम अकेले काम कर रहे हैं और अकेले काम करते रहेंगे, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। इसके अलावा 30 दिन में 30 बड़े फैसले भी सरकार की तरफ से लिए जा चुके हैं, जिसमें जीरो टॉलरेंस नीति है, माफियाओं पे बुलडोजर चलाना हो गया। आप अभी कह रहे थे कि नाकामी छुपाई जा रही है, तो नाकामी कैसे छुपाई जा रही है ये समझ नहीं आ रहा है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने महिलाओं के खिलाफ अपराध ना बढ़े इसके लिए अभियान चला रखा है, हमने अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला रखा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा की सरकार, योगी बाबा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति चीन के बुलडोजर चला रही है। अच्छा, धर्म चीन करके बुलडोजर चला रही है। आप ये बताइए, विपक्ष के जो नेता है वही माफिया है? सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे वो माफिया नहीं है क्या? उनकी कार्रवाई, ब्रजेश सिंह है, इनपे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर ये सरकार 8 मुद्दे बैठी है। आप बताइए, मैंने आपसे पूछा, मैं तो आपके माध्यम से भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हो जानना चाहूंगा, मिड डे मील का मिर्जापुर का जो पत्रकार था पिछली सरकार में, नमक रोटी दिखाने वाला, उसको FIR करके जेल में डाल दिया जाता है। आज नितिन भाई, वो कैंसर से पीड़ित है, उसका परिवार बर्बाद हो गया, क्या खबर कोई चलाएगा इस देश प्रदेश में? कौन पत्रकारिता करेगा हमारे प्रदेश में? आज पत्रकारों के ऊपर जो सरकार की नुमाइंदगी करे, जो सरकार की जी हजूरी करे, उसके लिए सरकार फूल बरसाती है, लेकिन जो जनता की आवाज उठाता है उस पे NSA लगा कर FIR दर्ज करके उसको जेल में डालने का काम ये सरकार करती है। ठीक है, तो आप बताइए, विपक्ष में मैम देखिए, कार्रवाई आप कीजिए, बुलडोजर चलाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी वाले पर अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो आप बताइए वो माफिया है? ठीक है, और जिनके ऊपर आप चला रहे हैं, नितिन भाई ये जानकारी होना चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं कि कब्जा कर रखे हैं, 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, क्या इनको दिखाई नहीं दिया? जो व्यक्ति रेहड़ी पटरी लगा करके रोड पे किसी तरह कोरोना काल से बचा, किसी तरह नोटबंदी से बचा, उसकी नौकरी चली गई, रोटी रोजगार चला गया, तो ठेली पटरी लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा। तो आप बताइए, भरण पोषण करने वाला वो माफिया हो गया जी, वो अवैध कब्जा कर दिया। ठीक, और अवैध कब्जा करने का अगर तरीका है तो उत्तर प्रदेश के जो 273 विधायक है, इस समय 112 विधायक जो क्रिमिनल एक्ट में है, क्या वो भूमाफिया नहीं है? या उनके ऊपर तमाम तरह के जघन्य अपराध नहीं दर्ज है तो क्या उनके ऊपर योगी सरकार बुलडोजर चलाएगी? ठीक है, अभी आपने देखा बार बार बुलडोजर की बात आती है, तमाम तरह की बुलडोजर की बात करते हैं। लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस तरह थार गाड़ी चढ़ा देता है, उसमें 9 लोगों की हत्या हो जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह जजमेंट सरकार करके उनको बेल दे देती है,
सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, अंतोगत्ता उनको जेल में जाना पड़ता है। आप बताइए बाबा की पुलिस जो है, क्या आशीष मिश्रा पर जो है उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? वो माफिया नहीं है क्या? किस माफिया की बात करते हैं आप? ठीक है, मैं जवाब अपनी माफिया, यानी कि आपके घर में जो है वो माफिया नहीं है, विपक्ष के घर में जो माफिया है। तो नितिन भाई, ये डबल स्टैंड, डबल बातें भारतीय जनता पार्टी जो करती है, हम इसको कतई स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ठीक है। मैं दूसरी बात हम बताएं, हाँ थोड़ा जल्दी से, ये सरकार अगर चाहती है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ लेने की बात करती है, ये जातिवार जनगणना से क्यों पीछे हट रही है भाई? ठीक है, 75 साल की आजादी में जिन जातियों को आज तक थाना चौकी तहसील में या किसी प्रधान में या जिला में कहीं उसकी नुमाइंदगी नहीं मिली, अगर जातियों का आंकड़ा आ जाए तो कम से कम इस देश को यह पता लग जाए किस जाति के कितने लोग हैं और वो सरकारी या उनका स्थिति कैसा है, इसको जानने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ फिर। ठीक है, आ गई बात, आ गई, प्लीज बात आ गई, मैं आता हूँ। जावेद अहमद साहब हमारे साथ सपा से हैं। जावेद भाई, आप इस एक महीने को उत्तर प्रदेश सरकार के किस नजर से देखते हैं? कितना काम हुआ है? ये जो योजनाएं बनाई जा रही हैं या फिर ये जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ये कितना कारगर हो सकता है? देखिए नितिन भाई, इस रोड मैप बनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जब वो जमीन पे उतरे, धरातल पर आए जी, और जनता को उसका लाभ मिले, तब तो समझ में आती है। ठीक है, नहीं आप देखिए पिछले 5 साल तक योगी जी लगातार चिल्लाते रहे कि हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो बहुत अच्छा है। अभी पिछले दिनों अब जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा स्वास्थ्य का ढांचा है वो चरमराया हुआ है। लखनऊ, आप तो लखनऊ में ही, समय में लखनऊ से मेरी दूरी है, आपको पूरी जानकारी है कि एक डॉक्टर जो है अपनी मेज पर तमंचा रख के शराब पीकर इलाज कर रहा है। सीएचसी में ताले लगे हुए हैं, कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। बाराबंकी का अस्पताल हो, सीतापुर के हॉस्पिटल हो, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में क्या स्थितियां हैं, तो उन स्थितियों को देखिए। कानून व्यवस्था पर ये एनसीआरबी के आंकड़े पिछली बार भी झुटलाते रहे, अपने आंकड़े पेश करते रहे। अभी दयाराम जी ने तमाम मामले गिनाए, प्रयागराज से लेकर इतनी घटनाएं हो रही, अयोध्या जी में क्या हुआ, ये 5 साल सामूहिक बलात्कार जाती है, और जब न्याय के लिए लोग निकलते हैं तो कोई सुनने को भाजपा सरकार में कोई जान नहीं है। उसमें एक भाजपा के नेता के पुत्र का भी नाम आया, उस जांच का नतीजा क्या हुआ किसी को पता नहीं है। कानपुर में पिछली बार मिड डे मील में नमक रोटी दिखाने पर रासुका लगी पत्रकार पर, तो 24 घंटे के अंदर कानपुर में पत्रकार को किस तरीके से थाने में नंगा करके उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया, ये क्या स्थितियां है। इन स्थितियों पर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने पहली कैबिनेट के बाद कहा 20,000 रोजगार देंगे, आप 10,000 पर आ गए। आप पिछले एक वर्ष से विभागों से खाली पदों की सूची मांग रहे हैं, आज तक वो सूची आप नहीं आपको उपलब्ध हो पाई, तो इसका मतलब है कि सरकार का इकबाल अब बुलंद नहीं रहा। अभी आप अगर रोजगार की ही बात करें तो दरोगा भर्ती में किस तरीके से घोटाला इसी योगी जी की सरकार में हुआ, जिस फर्म को यहाँ पर परीक्षा कराने का काम दिया गया वो मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड थी, उसको किन भ्रष्ट लोगों ने काम दिया, परीक्षा की जिम्मेदारी दी, और आज दरोगा भर्ती की परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो है किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे। इस तरीके से 49,568 सिपाही भर्ती में आप लगातार नितिन भाई देख रहे थे किस तरीके से वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, 35,568 वो सिपाही भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति छोड़ दीजिए, अभी तक मेडिकल सरकार नहीं करा पाई, ये 20,000 की बात करते करते 10,000 पर आ गए। अगर उन्हीं का मेडिकल कराकर नियुक्ति दे देते तो 35,568 नौजवान आज रोजी और रोजगार से लग चुका होता। ये इनका माफियाओं पर कार्रवाई कि आप करिए, अपराधी पर कार्रवाई, इसमें किसने रोका है आपको? लेकिन अदालत को आप क्या न्याय व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं? अगर एक अपराधी हत्या करके बलात्कार करके अगर जेल चला गया है वो अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन अगर वो संयुक्त परिवार में रह रहा है, अपने माता पिता के मकान में रह रहा हो, तो आप बुलडोज कर देंगे। ये कहाँ का न्याय है? और वहीं पर पता नहीं, नितिन भाई एक और कह लीजिए, आपने तमाम अपराधियों के गिराए मकान, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर जो अवैध और जहरीली शराब का निर्माता था, विक्रेता था, उसके मकान को आपने नहीं ढाया, उसके मकान के बाहर केवल एक लोहे का बोर्ड लगा दिया कि इतने दिन में हाजिर हो जाओ, नहीं ये संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। क्या वो किस जात विशेष का आदमी था कि उसके मकान को आपने तोड़ दिया, जो जहरीली शराब के नाम पर इंसानी जिंदगियों को लीलने का काम कर रहा था, उसको आपने क्यों छोड़ा? आप अगर इसी तरीके से देखेंगे तो तमाम घटनाएं हैं कि सरकार को इसलिए बहुत इजाजत नहीं दी जा सकती कि इसका लगातार दूसरा कार्यकाल है। इस कार्यकाल में ये केवल आंकड़ेबाजी का, जैसे पिछले 5 साल खेल हुआ, इसमें भी शुरू हो गया है, जनता को कहीं आ। ठीक है जोधा, मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ दिवाकर सिंह जी बीजेपी से। दिवाकर जी, आपके विपक्षी साथियों से बातचीत हुई, आपने भी सुना, कई सारे प्रमुख मुद्दे निकले हैं। पहला तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उस पर अभी भी लगाम नहीं है, लगातार वो बढ़ रही हैं, प्रयागराज जैसे मामले निकल कर सामने आए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जो उनके यहाँ नेता हैं या चिन्हित करके लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है, कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है लेकिन कोलैप्स है, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ही कहा गया है। गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं, लगातार आपसे नौकरी मांग रहे हैं, वो नहीं मिली है अभी तक, और बुलडोजर जो है वो जात देख कर चला रहे हैं, आप क्या कहना है? नितिन जी, हमारे जो साथी बैठे हैं, आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है, थोड़ा पहले अपने भी देख लेना चाहिए। हमारी पुरानी सरकार नई सरकार की तुलनात्मक दृष्टिकोण से जो ये देख रहे हैं, तो पुरानी भी सरकार जनता के हित में रही, इसलिए नई सरकार बनी है, और इनकी सरकार जो रही उस पर मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, जहाँ तक जीरो टॉलरेंस के हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने निर्धारित किया है, उस पर हमारी सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही, इसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। और हमारे यहाँ न जात देख करके काम होता है, न दल देख के काम होता है, अपराध का एक पैमाना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखा है, उस अपराध के हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब आपको बता दें, पास्को एक्ट जो पहले था, आज महाराज जी ने कैबिनेट में बैठ करके 12 साल तक की बच्चियों से अगर कोई पास्को एक्ट कोई घृणित अपराध करता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। पहले थोड़ी उम्र कम थी, इसको बढ़ा दिया है महाराज जी ने। तो महाराज जी हमेशा काम करें, हमारी कैबिनेट हमेशा काम करें, हमारे डिप्टी सीएम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अंतरकलह में अपने जूझ रहे हैं, कैसे जूझ रहे हैं, ये खबरों पर सरकार हमारी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार निर्धारित जो डेट निश्चित की है, सरकार का प्रेजेंटेशन हर विभाग का जो आ रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और सरकार कार्य कर रही है, जनता संतुष्ट है। किसी भी कार्य से जनता असंतुष्ट, जो घटनाएं छिटपुट हो जाती हैं, एक मानसिकता अपराधियों की होती है जो क्षणिक, देखिए सरकार में हम नवीन डिटेल जाना चाहेंगे, संगठित अपराध तो एकदम बंद हो गया है कि नहीं बंद हो गया, हमारे साथी भाई लोग बता दें, संगठित अपराध कहीं हो रहा है, कहीं छिनैती सार्वजनिक रूप से बराबरी हो रही है, कोई गिरोह चल रहा है जो आप माफियागिरी कर ले, और जहां तक बात आई, आप बात सुन लें पहले, ये जो मानसिकता क्रिमिनल मानसिकता क्रिमिनल मानसिकता के जो लोग हैं, और क्षणिक घटनाएं, कुछ पारिवारिक विवाद में हत्याएं हो जा रही हैं, कुछ क्रिमिनल मानसिकता के लोग जो घटना करें, तो पुलिस प्रशासन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और बुलडोजर जो आपने कहा है, बुलडोजर का रिजल्ट आप देख लीजिए, और भारत प्रदेश में और भारत सरकार के प्रदेशों में सरकारें इसका उपयोग करने जा रही हैं। सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, परिवार में अपराधी आता है, कमा के परिवार को देता है, परिवार से बाहर अपराधी नहीं जाता, जो आप कह रहे हैं कि सिंगल उसको, लड़का है किसी का तो पूरे परिवार का संरक्षण हम नहीं कहते हैं, लड़का है लेकिन कहाँ रह रहा है उसको वापस करें, परिवार को संबंधित जानकारी रहती है, या तो पहले से लोग लिख के दे देते हैं कि परिवार संबंधित नहीं है, वो नहीं आता जाता है, ऐसी पर कानून में धाराएँ हैं, पहले से आप सूचित कर दिए हैं कि इस लड़के से हमारा कोई लेना हमसे अलग रहता नहीं कोई बात है, तो उस पर सरकार कार्रवाई पूरे परिवार को नहीं डिस्टर्ब करती, आप जान जाइए,
जो माफिया है और परिवार के साथ जुटा हुआ है तो परिवार भी परेशान होता है, और पुलिस का यह काम है। आपकी सरकार रही तभी पुलिस तो ऐसे, कोई लड़का बाहर कोई अपराध करके आ जाए, सुन लीजिए, घर की क्या दिक्कत, सुन लेंगे, घर को टारगेट नहीं करते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर घर का लड़का अपराधी हो गया तो उसको पुलिस के तरफ सुपुर्द करिए, आप भी दबाव बनाइए कि अपराध मत करो, आप मनबड़ मत बनो, सरकार के साथ काम, सरकार के नियमों में काम करो, ये हम नहीं छूट देते हैं। और जो देख रहे हैं, यह प्रशासन की एक प्रक्रिया है, प्रशासन काम करता है, प्रशासन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं होता। और सरकार में कितना अपराध कम हो गया इसका रिजल्ट और सरकारें दिखा रही हैं, तो इस पे सरकार पे इनके पर आरोप लगाने का कोई छोटी मोटी घटनाओं के लिए कोई बड़ा इनके पास स्कैम सरकार का मिला नहीं आज तक। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, सरकार अपराध मुक्त रहेगी, और आगे दिनों दिन बढ़ती जा रही, अपराध जीरो होता जा रहा है। आप कहाँ देख रहे हैं विपक्ष के भाइयों, अरे आप लोग जो देख रहे हैं थोड़ा सरकार के सकारात्मक दृष्टि में देखिए, सकारात्मक दृष्टि में देखिए। मैं एक चीज कह रहा था जी, दिवाकर जी, सकारात्मक ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने खुद गिनाया कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं जी, जी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपराध बढ़ा है, इसको मानिए। प्रयागराज में सुन लीजिए, बीते दिनों में देखे तो करीब 9 लोगों की हत्याएं, सुन लीजिए, वह कोई जैसे सडनली घृणित मानसिकता या अपराधी मानसिकता का व्यक्ति अपराध कर दिया तो उसके खिलाफ सख्त सजा कोर्ट भी देने के लिए तत्पर बैठी हुई है, और सरकार भी तुरंत उसको कानून के दायरे में ला रही है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, हमारे मंत्री जी के स्वास्थ्य का, पिछले मंत्री जी भी ठीक रहे या मंत्री जी और ठीक हैं, ये स्वयं एकदम ग्राउंड जीरो पर जा करके और फटकार लगा रहे हैं, और छिपाया नहीं जा रहा है। हमारी सरकार में न FIR छिपाई जाती है, न घटना छिपाई जाती है, हमारी सरकार एकदम पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, सारी चीजें पारदर्शिता के साथ है, जनता खुश है। इसका प्रमाण है कि योगी जी दोबारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा कुछ सत्ता पे आसीन हुए हैं, और सरकार जैसे जो मेन टारगेट है बेरोजगारी पे जो ध्यान दिया सरकार ने, देख रहे हैं कि जो भी नौकरियां पीछे भी मिली बिना किसी एलिगेशन के मिली, हाँ कुछ उसमें दिक्कतें आई, कहीं हुआ तो महाराज जी ने तुरंत कैंसिल कर दिया, जांच बैठा दी। लेकिन देखिए एक नियम होता है कि एक भी निर्दोष को सजा न हो, ये नियम होता है ना, उसमें हो सकता है कि 2-4 अपराधी छूट जाते हों, लेकिन एक निर्दोष की सजा न हो, यह नियम है आपका, संविधान का नियम है, उसकी तथ्यों में जांच होती है, परख होती है कि एक भी निरपराध इसमें दोषी को सजा न हो, यह सरकार का टारगेट, जांच बैठी है हर घटनाओं पे जो हुई है, जांच बैठी है, और जो हुई है निष्पक्ष ढंग से हुई है, कोई नहीं कह सकता कि किसी भर्ती में किसी तरह का कोई एलिगेशन लगा हो, जो घटनाएं हो गई नकल विरोधी जो हो गई घटनाएं, उसमें हम नहीं कहते हैं, प्रशासन जो है पूरा काम कर रहा है। अगर पत्रकार महोदय संलिप्त रहे हैं, सरकार के जांच की एजेंसी में संलिप्तता पाई गई है, तो सेंटिमेंटल बातें सुभाषपा के मत करें पत्रकारों के प्रति, पत्रकार का भाई एक दायित्व होता है, ऐसा नहीं कि पत्रकार होना एकदम अपराध मुक्त की आपकी भाषा घोषित कर देता कि आप पत्रकार हो गए, वकील हो गए, आए हो गए, तो आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो कानून के दायरे में आएंगे। ठीक है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, सरकार को हमेशा विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक महाराज जी कहें कि हमें सशक्त विपक्ष होना चाहिए, होना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। आप लोग अपने में देखिए, और इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, कहें कि मैं, मेरा विषय वो नहीं है, हमारे माननीय डिप्टी CM साहब ने कह दिया है कि उनका विषय है, क्या देखिए वो लोग अपना देखें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग समझे उनके पार्टी में क्या है, इससे हमारी सरकार अपने काम पे लगी है और प्रगति के रूप में लगी है। इस समय जो खरीदारी हो रही है देख रहे हैं, निष्पक्षता से हो रही है, हर कार्य निष्पक्षता के साथ हो रहा है। ठीक, मैं आ रहा हूँ। पवन श्रीवास्तव हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। पवन जी, एक महीना सरकार को पूरा हुआ है दूसरे कार्यकाल का, किस नजर से आप देख रहे हैं, कितना काम हुआ है? और अभी जावेद भाई और दयाराम जी ने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है जिनका नाता विपक्ष से है, कितनी सत्यता है इसमें? नितिन जी, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दयाराम जी को भी सुना हमने, जावेद जी को सुना, दिवाकर जी को सुना, एक सच्चाई है, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 35-30 साल से जंगल राज था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। हम किसी पार्टी के पर तो और किसी के विपरीत नहीं जा रहे हैं, ये जंगल राज था, इसको हम आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो पिछली 5 साल सरकार थी योगी जी की, आदित्यनाथ योगी जी की, उसमें उन्होंने जो भी किया वो जनता ने चुन करके दोबारा इनको लाए, यानी कि अच्छा काम किया होगा। अभी जावेद जी कह रहे थे जो
हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम हैं बृजेश पाठक जी, उन्होंने कहा कि जो है स्थितियाँ स्वास्थ्य विभाग की ठीक नहीं है, चरमर स्थिति पे है, कोई दो राय नहीं, स्थिति ऐसे ही थी। अगर ऐसी नहीं रही होती तो हमारे ख्याल से पिछली सरकार में जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको हटा देना, ये आप सभी को मालूम है, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी कमियां थी तो उनको हटाया गया, नए लोगों को नया दायित्व दिया गया। और कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि सुधार धीरे धीरे हो रहा है। अब अगर हम देख लें कि पिछले भी चार हफ्ते हुए हैं दोबारा आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए, इससे चार हफ्ते में लगभग 40 योजनाओं को इन्होंने लागू किया है, उसको भी अगर हम लोग धरातल पे देखें लगभग 200 करोड़ रुपया। अब यहाँ पक्ष और विपक्ष ये हम नहीं जानते हैं, हाँ वो गुनाहगार थे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिनके ऊपर बुलडोजर चला, वो गुनाहगार थे। गुनाहगार हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है, जो भी होगा उनके ऊपर कार्रवाई किया, 200 करोड़ रुपया लगभग वसूला गया, ये प्लस पॉइंट है। ये सरकारें करने पे अगर आ गए हैं तो लोगों में डर आएगा, गलत काम नहीं करेंगे, इस सब का प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड चीज हम बता दें आपको कि अभी भाई साहब पत्रकार के ऊपर बता रहे थे, अब हम लोगों को तो मजबूरी है कि दोनों तरफ से पिसना है, हम लोग जाति के बीच में होते हैं, कुछ नहीं मिला तो इस पर हमने कार्रवाई भी किया था, हमने धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने था, जो भी हम लोग के बस का था जितना स्तर का काम किया। आज उन तीन पत्रकारों को जमानत हो गई, जेल से बाहर आए, लेकिन दुर्भाग्य है बलिया में हमने बात किया, वहाँ के डीएम से बात किया, ऊपरी स्तर पे बात किया, तो वहाँ पे जो निकल करके आया जो पत्रकार महोदय हमारे पत्रकार साथी थे, उन्होंने क्या किया था कि जो पेपर आया था उन्होंने 37 जगह पर उसको ट्रांसफ़र किया। ये अच्छा। पत्रकार का कर्तव्य नहीं होता जिसकी डिटेल्स हमको दिखाया गया, अच्छा। जिसकी डिटेल्स हमको दिखलाया गया कि इन्हीं नंबरों पर क्यों भेजा उसने, ठीक है, तो पत्रकार का कर्तव्य वहां पे ये नहीं था कि हम उसको सर्कुलेट करें, समझिएगा आप। तो कहीं ना कहीं चाहे वहां के प्रशासन के जाल में जैसे भी फंसे, उसमें जो वहां का डीआईएस था उसको निलंबित किया गया है, उसको भी जेल भेजा गया, ऐसा नहीं कि केवल पत्रकार गए। आप पत्रकार का कर्तव्य ये है कि हम लोग के पैसे में जो भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जिनका पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। देखिए पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए हम लोग पत्रकारिता नहीं करते हैं, ना ही हम लोगों को होना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य से अगर आप, हम आप हैं नितिन जी, आप इतने वर्षों से इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, आपके ऊपर तो उंगली नहीं उठ रही है, क्यों? क्योंकि आप उस स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जैसे हम हैं पत्रकारों की आवाज़ ही उठाएंगे, लेकिन अगर पत्रकार गलत है, जैसे हम कानपुर की घटना ले लें सर, कल अभी हमारी बात हुई है कानपुर में, घटना से रिलेटेड बात हुई, वो एक हमारे प्रतिष्ठित चैनल कानपुर का चैनल से वो जुड़े हुए थे, जिसमें वो लगभग 8 महीने पूर्व वहाँ से हटा दिए गए थे, ध्यान दीजिएगा, अब 8 महीने पूर्व वो हटा दिए गए थे, अब हटाने के बाद उनकी मानसिक संतुलन या जो भी प्रॉब्लम थी, दवाएँ चल रही हैं, वो अपने ही फैक्ट्री में, वो लड़का अपने फैक्ट्री यानी अपने पिता के फैक्ट्री में आग लगा देता है, समझिएगा, आग लगा देता है, उनके फादर के द्वारा उनकी कंप्लेन आती है, शिकायत आती है, जो भी रहता है, लेकिन जो उसकी वीडियो हमारे पास आई, हमने जब पुलिस प्रशासन में बात किया, उन्होंने कहा उसकी वीडियो है कि वो खुद कपड़ा उतारा है, और कपड़ा उतारा है तो हमने कहा उसमें पुलिस की हाथ आई थी उसके गर्दन पे, तो उन्होंने केवल आईडी देखने के लिए कि किस चैनल का क्या है, इसलिए उन्होंने देखा, लेकिन उसकी वीडियो क्लिप है। अब हम लोग जब तक पूरी तह तक जानकारी नहीं जानेंगे तो उसमें सभी पत्रकारों के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन यहीं पे सच्ची घटना भी होती है पत्रकारों के साथ। अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो नमक रोटी परोसा गया था उस पत्रकार को, से पूछिए उस भाई से कि जो सच्ची खबर करता है उसके ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं ये है कि शासन प्रशासन दबाव में काम करता है, ये सत्य है, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सब करते हैं, लेकिन एक जो आदित्यनाथ योगी जी की जो कार्य करने की पद्धति है, जिससे वो काम कर रहे हैं, एक नए नजरिए से काम कर रहे हैं, उसमें नो डाउट काम बहुत अच्छा हो रहा है, और एक महीना बहुत अच्छा गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। ठीक ठीक, जावेद भाई क्या कह रहे थे आप? देखिए नितिन भाई, बातें बहुत अच्छी होती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन न्याय का कानून का जो पैमाना नहीं हो सकता, क्या वो व्यवस्था नहीं हो सकती, उसको मैं बहुत जल्दी जल्दी किसी मुझ को बैठने में भी नितिन भाई बहुत ना मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, आपको मालूम भी है। देखिए अगर अपराधी पकड़ गया तो क्या कानूनी व्यवस्था क्या है, वो जेल जाएगा, क्या उसके मकान को आप अवैध मान लेंगे, जो भूमधरी जमीन पर है, जो बैनामे की जमीन पर है, आप उस पर भी बुलडोजर चला देंगे, ठीक है, आप नजूल की जमीन के जो कब्जेदार हैं, जो सरकारी जमीन पे कार्टरीज हैं, जिन्होंने दूसरों की जमीन पे कब्जा किया है, निश्चित रूप से चले,
आप अवैध कब्जेदार के नाम पर या अवैध निर्माण के नाम पर जो लोग 1000 स्क्वायर फीट के मकान का शासनादेश है कि वहां पर मानचित्र को स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी आप बुलडोज कर देंगे। आप उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा कि किन के विकास प्राधिकरणों के किन इंजीनियर किस सचिव किस उपाध्यक्ष के कार्यकाल में ये अवैध कॉलोनी बन गई, ये जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसने मानक विहीन काम कराया है, जिसने मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया है, उस वो बिल्डिंग बिक भी गई, फ्लैट बिक गए, दुकानें बिक गई और मध्यम वर्गीय आदमी ने वहां पर अपना दुकानों को खरीद के फ्लैट को खरीद के रहना शुरू कर दिया, व्यवसाय शुरू कर दिया, आप उसको ढहा देंगे। और उस जिसके कार्यकाल में अवैध निर्माण हुआ और उसकी बिक्री हो गई, उस बिल्डर के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे, वो तो बेच के निकल गया। तो इन लोगों को संरक्षण देने वाले, इस चीज को पुष्पित और पल्लवित करने वाले लोगों को कौन जो है इनके ऊपर बुलडोजर चलाएगा? आपके पास जो प्रक्रिया है, ये लोग मोटी मोटी रकम लेते कौन? सरकार की चीज को मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये भाजपाई के कार्यकाल में हुआ है, ये मिठाई के डिब्बे में क्या क्या लेते और देते हैं ये दुनिया जानती है। तो आखिर इनके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए कि आप गरीब आदमी पर, एक मध्यम वर्गीय व्यापारी पर आप केवल बुलडोजर चलाते रहेंगे? अमेठी में महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, उस पर आप जांच नहीं कराना चाहते हैं? क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आप स्वयं आगे आकर कह देते हैं। अगर कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है और वो जेल गया है तो उसकी संपत्ति अगर अवैध है तो आप गिराइए, लेकिन उसकी पारिवारिक संपत्ति है और उस पारिवारिक संपत्ति पर अगर आप बुलडोजर चलाते हैं तो ये कहाँ का न्याय है? ये क्या नैतिकता है? ये कौन सा कानून है? ये तो कानून नहीं है। अगर यही मानक है तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 5 लोगों की हत्या की, इस तरीके से तो उनके पूरे परिवार पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की संपत्ति पर भी चलना चाहिए और उस लिए ज्यादा चलना चाहिए कि 2002 में नितिन भाई आपसे भी नजर से आया होगा, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को अजय मिश्रा टेनी के लिए क्या क्या लिखा था, पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी उनके विरुद्ध। आप वहां बुलडोजर नहीं चलाएंगे, आप मुख्तार पे चलाइए, हमें कौन सी आपत्ति है, अतीत पर चलाइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रतापगढ़ में किसके कहने पर बुलडोजर नहीं चला? और आप देखिए दूसरी चीज है, 2020 में सपा विधायक सहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप लगता है, उस जमीन पर देखिए पेट्रोल पंप का अनुबंध जब होता है, जब पेट्रोलियम कारपोरेशन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है एफआई करा लेता है, उनके दस्तावेजों को प्रमाणित कर लेता है, जिला अधिकारी उसको एनओसी जारी करता है, और 2020 में तो योगी जी की सरकार थी, उसके बाद भी वहां पर अगर वो निर्माण अवैध था तो कैसे हो गया? रोशन लाल वर्मा जी कल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, अगर उनका निर्माण अवैध था तो कल तक बुलडोजर नहीं चला? योगी जी के पिछले शासन काल में भी चल रहा था और आज जब वो भाजपा विरोधी हो गए तो उनके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा? तो ये जो है कि आप अपने लोगों पर कब चलाएंगे? धनंजय सिंह आप सीधे नहीं लेते, अपने सहयोगी दल के माध्यम से उनको खड़ा कर देते, 25,000 का इनाम था, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरीके से कितने भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जो है सुल्तानपुर लंबुआ से थे, उन्होंने 11 माफियाओं की सूची जारी की थी, योगी जी को भेजी थी कि इन जात विशेष के माफियाओं पर कब कार्रवाई होगी? तो ये जो कहना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये फर्जी आंकड़ोबाजी से नहीं, न्याय एक आंख से देखता है, सबके साथ वो न्याय करता है। आप जब तक आपके साथ रहे तो वो जो है बहुत साफ सुथरा आदमी है, बड़ा संस्कारी आदमी है, अगर आपकी नीतियों का विरोध करे तो वो माफिया हो जाता है, वो बदमाश हो जाता है, वो लफंगा हो जाता है। और हेमंत बिस्व शर्मा जैसा लुटेरा जिसने तमाम भ्रष्टाचार किए, यही भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती थी जब वो भाजपा में शामिल हो गए, तो वो दूध के धुले हो गए, आज उनके मुख्यमंत्री है। तो ये मानक नहीं होता, न्याय का मानक एक होता है, आप या तो किसी की संपत्ति को जब्त कर लीजिए या किसी को जेल भेज दीजिए। अगर संपत्ति अवैध है तो निश्चित रूप से आप उसको जब्त कीजिए, बुलडोजर चलाइए, कुछ करिए, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर आरोप लगाती है कि बुलडोजर चल रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। अरे बुलडोजर वहां भी तो जाए,
अगर न्याय करना चाहते हैं आप, अगर आप साफ एक व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए अगर खाली बुलडोजर चलाना है तो आप न्यायालय में, न्यायालय में ताला लगा दीजिए, सारा न्याय आप स्वयं कर दीजिए। तो ये नहीं बात होती नितिन भाई, बात ये है कि आप जब अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष सकारात्मक रूप से आपके कामों की प्रशंसा भी करेगा, लेकिन जब अन्यायपूर्ण कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से विरोध होगा, उसको आप नकारात्मक राजनीति दिवाकर भाई कह सकते हैं, कहें। ठीक है जावेद भाई, ठीक है। दयाराम भार्गव जी कुछ कह रहे थे आप भी। नितिन भाई अगर बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों। हाँ जी दयाराम जी, देखिए अभी हमारे भाजपा के दयाराम जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। कुछ ऑडियो का डिस्टरबेंस है दयाराम जी का, ऑडियो नहीं मिल रहा है, प्लीज सही किया जाए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ अभी हमारे बीजेपी के साथी ये कह रहे थे, तमाम तरह की बातें बता रहे थे, हमको ये बता दीजिए, साफ साफ हमें जानकारी दे दीजिए, आज महंगाई चरम सीमा पे है नितिन भाई जी, क्या इससे कोई नकार सकता है? आज हम देख रहे हैं 2 साल के अंदर में खाद्य तेल जो है दुगने रेट हो गए, स्टेशनरी 150 गुना बढ़ गया, टीवी 60% बढ़ गया, दवा और फोन रिचार्ज 50% महंगे हो गए, यानी दाल तेल सब्जियां जो है, पेट्रोल जो है 2019 में अगर 72 था तो 2022 में जो है 114, 115, 110 हो गया जी। डीजल जो है क्या नाम है 65 रुपए लीटर था तो 97 से 100 रुपया 110 रुपए के करीब हो गया जी। रसोई गैस जो 676 रुपए था तो 950, 1000 के पार चला गया जी। इन महंगाइयों की तमाम तरह की अगर हम महंगाइयों को देखे तो बताइए ये किसके ऊपर पड़ रहा है नितिन भाई, ये किस अच्छी सरकार की बात कर रहे हैं जी। अभी आपने देखा होगा इनके ही बाबा रामदेव जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2013 में रामलीला मैदान में, इसी पेट्रोल डीजल को लेकर के ये तरह तरह की बातें किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 70 रुपए का जो पेट्रोल है अगर हमारी सरकार बनेगी सब्सिडी हटा करके हम जो है 35 रुपया लीटर कर देंगे। जनता ने हाँ किया, जनता ने इनको माइंडेड दिया और ये सरकार में आए। आज उन्हीं रामदेव से अगर एक सच्चा पत्रकार जाता है पत्रकारिता करते हुए पूछता है तो उनके बयान कितना अच्छा है, कहते पूछ पाएगा तेरा जवाब देने का ठेकेदार हूँ तो। और उसी व्यक्ति को देखिए आय उसकी 250 करोड़ रुपए क्या नाम है, मोदी सरकार उनका माफ करती है, आज उनकी आय कितनी है। और जो कंपनियां घाटे में जाती है उस कंपनी को बाबा रामदेव खरीद लेते हैं, जो दे नहीं सकता बैंकों का कर्ज, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार माफ कर देती है कर्ज को, वही बाबा रामदेव दूसरी कंपनियों को खरीदने की कुमत रखता है। तो ये ऐसा नहीं है कि गोलमोल रवैये से मतलब बैक साइड से भारतीय जनता पार्टी को कमी समझा रहा है, इसके ऊपर चर्चा कोई नहीं करता। और उत्तर प्रदेश में अगर अपराध की शाखा देखा जाए नितिन भाई तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशों से, चाहे वो दलितों के ऊपर अपराध में नंबर 1 हो, लेकिन ये ऊपर अपराध में नंबर 1 जी कह रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो। दयाराम जी दिवाकर जी कह रहे हैं कि संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में कम हो गया है, अपराध पर लगाम लगा दी है, रोजगार दे रहे हैं, बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो काहे नहीं अपने क्या नाम है अपने लोगों पे क्यों नहीं चलाते, भाई धनंजय सिंह उनके ऊपर क्यों नहीं चलाते, क्या वो माफिया नहीं है, राजा भैया माफिया नहीं है, किसकी चर्चा आप करते हैं। मैंने कहा ना जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं वो माफिया नहीं है। ठीक है मैं जवाब ले लेता हूँ दिवाकर जी से, दिवाकर जी से जवाब ले रहा हूँ फिर आपके पास आ रहा हूँ। हाँ दिवाकर जी, मुझे व्यक्तिगत आपको आरोपों पे इतने कहना है कि सरकार निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है, न्याय संगत काम कर रही है, जनता हमारी खुश है, हमारे लोग खुश हैं और अपराध की कोई जात नहीं होती है, थोड़ा सा अपने उसमें सुधार लाएं, जिनका नाम ले रहे हैं वो कहीं हमारी समझ से बीजेपी के सदस्य भी नहीं हैं और सरकार अपना काम कर रही है। एक बात बता दें आपको, जब अपराधी की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, वहां से एमएलसी रहे हैं, अरे सुनेंगे, उनकी बात कर रहा हूँ, सुनेंगे आप, संजय सिंह की बात कर रहा हूँ, अरे सुनेंगे आप अपने को बात कर रहा हूँ मैं, आप अपने को सुधार लीजिए, कहीं भी हमारी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य नहीं है
और दूसरी बात, सरकार जो काम कर रही है निष्पक्ष ढंग से कर रही है। और एक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, अपराधी जो सरेंडर कर दे रहा कोर्ट में, नितिन जी, जो अपराधी सरेंडर कर दे रहा है उस पर कहाँ कार्रवाई हो रही है? उसके पर न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। अपराधी पकड़ा जाएगा, उसको तुरंत सजा देने का काम कोर्ट का है, लेकिन आप कैसे आएंगे, कैसे कानून की गिरफ्त में आएंगे और भागेंगे कानून से, अपराध करके और कानून से भाग के आप तो नहीं रह पाएंगे। ये हमारी सरकार ने तय कर लिया, अपराध मत करिए। अपराधी की जगह हमारे महाराज जी ने बता दी है, या तो जेल में है या तो फिर उचित स्थान पे है। अपराधी नहीं बेखौफ घूमेगा, कोई माफियागिरी नहीं होगी, कोई बड़ा अवैध कब्जा नहीं होगा। महाराज जी ने एक चीज कह दिया है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि छोटे व्यापारियों पे, छोटे भाइयों पे हमारा बुलडोजर नहीं चलेगा। और कह दिया, महाराज जी का बयान आया है, उसको स्थापित किया जाए, विस्थापित ही नहीं किया जाए, उसको पहले स्थापित किया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। महाराज जी का स्पष्ट आदेश है। रेहड़ी पटरी दुकानदार भाई हमारे हैं, जीविका चलाते हैं, उनकी भी व्यवस्था सरकार की है, उनके लिए सेंटर बनाती है, काम करती है। आप चले जाइए गोरखपुर, देख लीजिए, मैं गोरखपुर होके आया हूँ, वहां पे मंदिर के किनारे जो रोड चौड़ी थी, चौड़ीकरण हुआ है, पहले दुकानें थी। महाराज जी के नेतृत्व में पहले एक कॉम्प्लेक्स बड़ा बनवाया गया, सबको दुकानें आवंटित की गई हैं, और उसके बाद उनकी दुकान वहां प्रतिस्थापित करके तब उस पे रोड चौड़ीकरण हुआ है। जरा ध्यान दीजिए, कुछ ग्राउंड जीरो पे जाइए, माफिया किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। क्या इनके नेता ग्राउंड जीरो पे नहीं जाते? नहीं जाए, जाते तो काहे को इतना दिक्कत होती इनको, इनको ग्राउंड जीरो पहले जाना चाहिए, और सुभाषपा को तो और जाना चाहिए। क्यों? अब बाकी चीजें आप समझ रहे हैं, सो भाजपा को जाना चाहिए, सुनने में आ रहा आपके साथ जाने वाले, हमारे साथ आने हैं। और जाने का प्रक्रिया का जो नियम है वो हमारे उच्च नेतृत्व के निर्धारित करता है, कौन आ रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन हमारे, ये आपके कह रहे हैं कि वो लोग को जाना चाहिए, हमारी पार्टियों के नीतियों में जो आना चाहेगा उसका हमारे बड़े नेता उस पे विचार करते हैं, कैसे क्या करना है, हमारे बड़े नेता लोगों का मतलब है, उस पे वो लोग चर्चा करते हैं, वो लोग निश्चय करते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। दयाराम जी, आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं जाते हैं? दिवाकर जी कह रहे हैं आपके नेताओं को जाना जरूरी है। देखिए, ये हमारे एक सवाल का जवाब दे दें, हमको ये बता दें, इन्होंने कहा ब्रजेश सिंह भाजपा के सदस्य नहीं है, धनंजय सिंह भाजपा के सदस्य नहीं है, अशोक चंदेल नहीं है, अभय सिंह नहीं है, विनीत सिंह नहीं है, ब्रिजभूषण नहीं है, चुलबुल सिंह नहीं है, अजय सिंह सिपाही नहीं है, पिंटू नहीं है, सनी सिंह नहीं है, संग्राम सिंह, चुन्नू और बादशाह सिंह नहीं है, ये भाजपा के सदस्य नहीं है। अब आप देखिए, बादशाह सिंह पे 88 मुकदमे दर्ज है, ये माफिया तो हो नहीं सकती, ये तो साधु संत है भाई, ये किसी आश्रम के मठाधीश है, इनके ऊपर क्यों कार्रवाई होगी? संग्राम सिंह है, 58 मुकदमे है, बस बताइए इनके ऊपर 58 जो मुकदमे है क्यों है? न्यायालय में बिचारा ये हम बार बार कह रहे हैं, न्यायालय का दोषी ही अपराधी होता है। न्यायालय में दोष सिद्ध होने के बाद उन्नाव में नहीं बख्शे गए विधायक जी, न्यायालय में दोषी होने के बाद कुर्सी चली जाती है मंत्री जी की, कहीं कोई न्यायालय से दोष सिद्ध होने के बाद कोई बचता नहीं है, यह सरकार की पारदर्शिता है। और न्यायालय में बिचारा जो है वो सरकार भी उस पर, हमने महाराज जी ने कहा है कि जो है इस तरह, सुन लीजिए MP ML, अरे भाई सुन लीजिए, आप सुन सुनने चिंता रखिए, जहाँ MP ML कोर्ट, अरे भाई सुनिए पहले, MP ML कोर्ट जिस तत्परता से डे वाइज सुनवाई कर रही है, या क्या नियम है, यह नियम यही है कि हमारे माननीय जी लोगों पे अलग से कोर्ट MP ML बनाई गई है, इस पे ध्यान दीजिए, और तुरंत फैसला आ रहा है, और जो फैसला आएगा पक्ष में या जिसमें सजा के रूप में, उसका पालन कर रहे हैं और सरकार करा रही है, इस पे ध्यान दीजिए। आज जितने नाम आप गिनाए हैं, अपराध सिद्ध होने के बाद किसी को सरकार बख्शती नहीं, चाहे माननीय हो, चाहे कितनों बड़ा हो, चाहे जो हो। दिवाकर जी, लेकिन जो सुभाषपा के जो प्रवक्ता महोदय गिना रहे हैं कितने अपराधी हैं इनके ऊपर, इनका होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। हमें तो लग रहा है दयाराम जी को बोलना चाहिए, सबका नाम बताना चाहिए, किसके किसका नाम आप बता रहे हैं, कितने मुकदमे दर्ज हैं, ये आपको सुनना चाहिए अगर आप पार्टी में है तो। मैं सुन रहा हूं जी, बताएं। और मैंने सुन के बताया, जितने नाम गिनाए सारे ने हमारे माननीय सांसद हैं या माननीय विधायक हैं, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, मुकदमा है, तब ना कोर्ट में चल रहा है, सुन लिए, और कोर्ट से दोष सिद्ध होने के बाद किसी को सरकार बख्शती नहीं, जिसका उदाहरण आप उन्नाव के विधायक जी का देखें और माननीय मंत्री जी के लोगों का देखें, कई जगह सदस्यता लोगों की चली गई और कई जगह जेलों में चले गए, बख्शती नहीं सरकार। दयाराम जी क्या कह रहे हैं? लेकिन न्यायालय से दोष सिद्ध होना चाहिए। आप हमको बताएं नितिन भाई, हम इनसे जानना चाह रहे हैं, बादशाह सिंह है, 88 मुकदमे दर्ज है, हमको ये बता दें कि
तू ही राजा तू ही चोर लिया गठरिया हमारी चोर। अरे भाई माननीय न्यायालय सरकार नहीं है, मानने वाली भारतीय जनता पार्टी की न्यायालय सरकार नहीं है, ध्यान दीजिए आप। अरे भाई माननीय न्यायालय सरकार नहीं है, वो अलग व्यवस्था अलग संस्था है। माननीय न्यायालय जी की पे टिप्पणी न हम करते हैं न हमारी पार्टी कहने के लिए है। इस पे माननीय न्यायालय जी पे कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय जी का जो भी निर्देश होता है सरकार उसका फॉलो करती है। एमपीएमएलए कोर्ट अलग से बनी है, इसमें कायम देखने कितनी त्वरित कार्रवाई हो रही है। सिंगर के बारे में बात किया था, कुलदीप सेंगर को उत्तर प्रदेश से नहीं सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ा, तब जाके उस पीड़िता को न्याय मिला। जो भी हो, जो भी हो, माननीय न्यायालय में जो व्यवस्था है, जो माननीय न्यायालय व्यवस्था है जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की, मानवाधिकार है। आप ही चिल्लाएंगे मानवाधिकार है, मानवाधिकार है जहाँ तक उसकी कोर्ट है, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट है वो जाए, मानवाधिकार है। और फैसला आने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भाई साहब भार्गव जी सुन लीजिए। और एमपी एमएलए कोर्ट जो विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट की प्रगति रोक दीजिए। डे बाय डे मीडिया में देखिए खबरें आ रही हैं। क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भार्गव जी, क्या कह रहे हैं? बाबा आशीष मिश्रा तुरंत जेल गए, जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई, जो आदेश आए तुरंत जेल गए। और आशीष मिश्रा कहीं भागे नहीं थे, आशीष मिश्रा भागे नहीं थे, वो बुलडोजर का खून है। अरे बुलडोजर जब अपराधी भागता है तब ना बुलडोजर खोजता है। जब आशीष मिश्रा जा रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आया तुरंत वो हाजिर हो गए। एक दिन नहीं लगा, एक दिन में देखिए मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया में हमारा कोई दखल नहीं है, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगा। उससे नहीं जी, जी दयाराम जी से कहिए, बाकी नामों का उल्लेख करें, बाकी नामों का भी उल्लेख करें। दयाराम जी, दयाराम जी, दयाराम जी, और कौन कौन सी लिस्ट है वो निकालिए, बाकी नामों का उल्लेख करें। उपेंद्र तिवारी क्या, उपेंद्र तिवारी क्या जाएगा बुलडोजर? लेकिन बात सिंधी क्या नहीं जाएगा, आशीष मिश्रा के घर पे नहीं जाएगा बुलडोजर। आप लिस्ट कोई गिना रहे थे, आप कोई लिस्ट गिना रहे थे? लिस्ट इनकी क्या है, इनकी लिस्ट कल तक है, कल खत्म हो जाएगी, परसों है, परसों बदल जाएगी। इनकी लिस्ट इनके बड़े नेता के हिसाब से ये लोग लिस्ट तैयार किया है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट पे और इस कोर्ट के माननीय न्यायालय, माननीय मानवाधिकार आयोग पे हमारी सरकार भी टिप्पणी नहीं करती, स्वतंत्र एजेंसी है, काम करेगी। चुनाव आयोग पे कोई टिप्पणी नहीं है, और सरकार स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। आयोग जितनी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, सरकार उसका पालन कर रही है, अच्छा सा पालन कर रही है। दयाराम जी क्या कह रहे थे? जी देखिए, मैं अपने दिवाकर भाई से जानना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, इन पे कार्रवाई क्या उत्तर प्रदेश की सरकार डबल टू में आ गई करेगी? इन लोगों को नौकरियां कब मिलेगी? जो लोग रेलवे की भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए गए थे, उनको प्रयागराज से उन बच्चों को खींच खींच कर जो योगी बाबा की पुलिस मारी है, आप बताइए उन बच्चों का क्या गुनाह था? कानून व्यवस्था सरकार का काम है, कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर कौन गुनाह किया था, कौन गुनाह किया था? कानून व्यवस्था का जो नियम है, कानून व्यवस्था बनाना सरकार की प्राथमिकता है। क्या गुनाह था हमें जानना चाहते हैं, जो खींच खींच के पुलिस मारी थी? कानून व्यवस्था का पालन कराना सरकार का दायित्व है। ऐसे कानून व्यवस्था में कोई ऐसा प्रदर्शन उपद्रव न हो जिससे हमारे आम नागरिकों को दिक्कत हो, सबको कानून के दायरे में रहना चाहिए। और हमारी सरकार कानून तो 2013 में भारतीय जनता पार्टी रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ में स्मृति ईरानी से लेकर के सारे भाजपा एंड कंपनी के लोग जो बैठे थे, वो लीगल था क्या? लीगल नहीं था, उनका एक विरोध प्रदर्शन था। आप भी करिए, आप भी विरोध प्रदर्शन करिए, महंगाई पे आप ध्यान दीजिए, क्या महंगाई कर रहे हैं आप, महंगाई पे क्या ध्यान दे रहे हैं? और जो डीजल पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय मैटर है, डीजल पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय मैटर है, एक आप बात सुन लीजिए, कांग्रेस के समय जो 15,000 करोड़ का बांड राल जारी किए थे उसको, अरे ये नियम अंतर्राष्ट्रीय की जो इंटरेस्ट है उसको भरिए, सरकार भर रही, इंटरेस्ट कम माल मिलता है, दुकानदार का पुराना ठीक है, प्लीज समय कम है मेरे पास, ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है, समय कम है, प्लीज पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, प्लीज 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 ठीक है ठीक है, समय कम है, हमारे किसान भाइयों को जयराम जी का दाम मिल रहा है तो आपको क्यों कष्ट? ठीक है ठीक है, प्लीज 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 किसान भाइयों को सब्जी का दाम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है, उनके सरसों तेल बिक रहा है, किसान भाइयों को समय कम है, समय कम है, समय कम है, किसान भाई अपने दाम का उचित मूल्य पाए, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बात आ गई पवन जी, नितिन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दयाराम भार्गव जी ने कहा है 90% तक सत्य कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। और भारतीय जनता पार्टी में
कितने भी दागी आ जाएं, गंगा जल बाबा हमारे महाराज जी के पास रहता है, छिड़क देते हैं, शुद्ध हो जाता है। इसका विरोध बिल्कुल करिएगा। देखिए, विरोध करिएगा, हमारे पास प्रूफ रहेगा, हम आपको प्रूफ देंगे। संजय सेठ कितना विरोध हो रहा था, आपके यहाँ आगे शुद्ध हो गए। एक नेम कही आप भी, हम लिख के सुनिएगा, सुनिएगा, हृदय परिवर्तन हो गया, रुकिए रुकिए, परिवर्तन हो गया। दिवाकर जी सुनिए, दिवाकर जी सुनिए, दिवाकर जी सुनिए, दिवाकर जी सुनिए, गलत। अगर आप चाहते हैं प्रायश्चित करना, आपके 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 पार्टी में जो आए वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा व्यवस्था है क्या? जब से आए हैं तब से कोई इलेक्शन को बता दीजिए, जब चाहते अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं और हमारी पार्टी की नीतियों को मानते हैं और न्यायालय अपना काम कर रहा है, पार्टी उनके, में उनके, आपके पार्टी में जो चुनाव, सुनिए सर, सुनिएगा सर, सुनिएगा सर, जब आपकी पार्टी उम्मीदवार तय कर रही थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम थे, जब कहा गया कि हमारे यहाँ अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, हम दयाराम जी से इसीलिए पूछ रहे थे कि लिस्ट में कौन कौन है, क्या आपके यहाँ अपराधियों को टिकट दिया गया, नहीं दिया गया? देखिए आप दूसरे की बात कर रहे हैं, कह रहा हूं, आप किसी दोष सिद्ध को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, किसी अपराध दोष सिद्ध को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी दोष सिद्ध को, अपराधी को जो दोष सिद्ध हो गया, जो विचाराधीन है, हम उसको कोर्ट जब तक माननीय न्यायालय जिसे दोष सिद्ध नहीं होता, FIR होना कोई अपराधी की श्रेणी में नहीं आता। न्यायालय महोदय जब दोष सिद्ध कर दें तो एक भी नाम बता दीजिए दोष सिद्ध आदमी को पार्टी ने टिकट दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है मेरे पास, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश किस सरकार का दूसरे कार्यकाल का एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इंतजार अब 100 दिनों का है, क्योंकि सरकार 100 दिनों के संकल्प के साथ काम कर रही है। रोड मैप तैयार किया गया है, मंत्रियों से, नेताओं से, अधिकारियों से प्लानिंग पूछी गई है और उस पर लगातार बैठकें भी हो रही हैं। फिलहाल 100 दिन बाद क्या होगा ये देखना है हमें, लेकिन अभी एक महीने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बेहतर काम जरूर किया है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।